अब बहुजन समाज चलने लगा है, उसी बीच में हमारे बीच में एक महिला है जो बाबा साहब के अनुयायी आई है। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ क्यों आई है। मैडम आपका नाम? मैं सुमंता हूँ, प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट। एडवोकेट हैं आप? तो मैडम आपको यहाँ आने का क्या पर्पज है? देखिए, मैं बाबा साहब के विचारों से और बाबा साहब का जो ये मिशन है, मैं उसमें हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ और चाहती हूँ कि बाबा साहब का मिशन देश के कोने कोने में जन जन तक पहुँचे। क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन था वो समानता पर आधारित था, और समानता हर महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई समान है। तो बाबा साहब का जो मिशन महिलाओं के लिए जो उन्होंने कार्य किया, मैं इस बात को भली भांति जानती हूँ क्योंकि मैं कानूनी शिक्षा मैंने ज्ञान की है। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा लोग को जन जन तक मिले और जो समानता का अधिकार जो बाबा सही में चाहते थे जन तक पहुँचे, वो सही धरातल की धरातल पर जन जन तक पहुँचे। मैं इसीलिए आ गया हूँ। ना ही किसी भी महिला को, देश की किसी भी महिला को प्रॉपर्टी का अधिकार होता, किसी भी तरह का समान अधिकार पुरुषों के बराबर आज महिलाएं नहीं बैठी होती। लेकिन जो कोड बिल की बात करते हैं तो वो जैसे बीजेपी है, कांग्रेस कहती है कि हम लेके आए थे इस कोड बिल को। नहीं, ये एक भ्रम करने वाली बात है, भ्रमित कर रहे हैं वो लोग। हिंदू कोड बिल बाबा साहब का लाया गया है। जितने भी मैटरनिटी रिलीफ एक्ट हो गए या महिलाओं से संबंधित जितने भी अधिकारों की हम बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, वो सारे के सारे अधिकार हिंदू कोड बिल पर आधारित होते हैं। चाहे वो कोई भी महिलाओं के लिए किसी भी तरह का कोई कानून गया हो, हिंदू कोड बिल पर आधारित है। और बाबा साहब ने हमारे भारत के संविधान में महिलाओं के लिए एक समानता का अधिकार जो हमें दिया है, लाइफ ऑफ लिबर्टी जो हमें दी है, इक्वल जो राइट दिया है, इक्वल राइट फॉर इक्वल वेजेस जो आर्टिकल 39D में डाला है, तो वो बाबा साहब के द्वारा दिया गया, ना कि किसी पार्टी के द्वारा। लेकिन मैडम जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं, तो आज महिलाओं का कुछ विकास हो रहा है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ पार्टीज की बात करूँ तो स्थिति सबके सामने एकदम खुली किताब की तरह है कि कहने को कुछ है और करते कुछ और है। महिलाओं का विकास होता तब है जब आप महिलाओं को विचारों में, महिलाओं को कहीं ना कहीं आप धरती पर, कहते धरातल पर आप कितना इसको महिलाओं को बराबर ला पाते हैं। और अगर हम महिलाओं को बराबर समझते तो शायद महिलाओं के ऊपर जो इस तक हिंसक तरीके का जो चाहे वो हम निर्भया ले लें, अगर मैं कल याद करी तो 16 दिसंबर निर्भया वाला कांड मैं याद कर रही थी, उन गुड़िया को मैं याद कर रही थी, उन महिलाओं को जिनके साथ अत्याचार होते, अगर बराबर होते तो शायद इस तरह के अधिकार, इस तरह का शोषण महिलाओं का नहीं होता, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। से कि भारतीय जनता पार्टी जैसे आपकी हरियाणा में भी है, केंद्र में भी है, वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा देते हैं, और आज बेटियां जो आपने बताया कि उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो देखिए नारा देना बहुत आसान है, नारा तो हर दिन नहीं बनते हैं और नहीं होते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को इस तरह से बुनाया जा रहा है, लेकिन क्या उन स्कीम को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर दी जा रही है, क्या उस पैसा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर सरकार लुटाने की, क्या उसका वो बेनिफिट उन महिलाओं तक पहुँच रहा है? ये बहुत ही सोचने वाला सवाल है, और शायद नहीं। तो आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि जागृत हो, जो उनके लिए तैयार किया गया है, जो उनके लिए समान अधिकार दिया, उसको यूटिलाइज करें और महिलाएं अपनी भागीदारी समाज को दें, वो अपनी भागीदारी दिखाएं, अपने आप को जागृत करने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने समक्ष इस अपने अपने आप को इम्पावर करें कि नहीं, हम भी हैं, हमारा वजूद है, हम कोई वस्तु नहीं है कि जिसको इस्तेमाल किया छोड़ दिया, हमें एक ह्यूमन बींग समझा जाए। ये महिलाओं की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने आप को इस भांति प्रबल बनाए। थैंक यू।